ये तस्वीरें किसी भी देश के सैनिक को गर्व से भर देंगी। जी हाँ, ये सम्मान उन सैनिकों का है जो आज से लगभग 70 साल पहले कोरियाई युद्ध में अपनी जान गंवा बैठे थे। बुधवार को दक्षिण कोरिया ने 1950 से 1953 के बीच हुए युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के अवशेषों को सम्मान पूर्वक चीन को लौटा दिया। इंचियोन हवाई अड्डे पर हुए इस समारोह में चीन और साउथ कोरिया के कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। अपने 10 सैनिकों के अवशेषों को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने राष्ट्रीय ध्वज लपेट कर सम्मान दिया। ये सम्मान पीएलए की तरफ से दिया गया सर्वोच्च सम्मान है। इस मौके पर चीन के राजदूत ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों को और आगे लेकर जाएगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार दक्षिण कोरिया ने 2014 से अब तक 589 चीनी सैनिकों के अवशेष को वापस लौटाया है। बुधवार को साउथ कोरिया ने छठी बार अवशेषों को चीन को सौंपा है। अब गुरुवार को इन सैनिकों को शेनयांग के शहीद कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। दोनों देशों के इस प्रत्यर्पण समारोह को देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि कोई भी देश कितने भी बड़े दुश्मन क्यों न हो, लेकिन सैनिकों के सम्मान से कभी समझौता नहीं करते हैं।